केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर देश प्रदेश के साथ पिपरिया में भी इंटक प्रदेश सचिव और मध्य प्रदेश ट्रांस वर्कर्स फेडरेशन प्रदेश महामंत्री प्रवेश मिश्रा के नेतृत्व में परिवहन विद्युत मिल मंडी मजदूरों ने भी अनुविभागीय अधिकारी पिपरिया के समक्ष प्रदर्शन करते हुए माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन तहसीलदार नवल कटारे को सौंपा। प्रमुख मांगे निम्नानुसार है। श्रम कानूनों में अनावश्यक परिवर्तन वापस लिया जाए, कार्य के घंटे पुनः 12 के स्थान पर 8 किए जाएं, कृषि मंडी बिल वापस लिया जाकर मंडियों में कार्यरत मजदूरों की समस्याओं का चर्चा के माध्यम से निराकरण किया जाए, सार्वजनिक संस्थानों सड़क परिवहन निगमों आयु निर्माणियों रेल आदि का निजीकरण न किया जाए, आंदोलन में भाग लेने वालों में विद्युत फेडरेशन इंटक संभागीय अध्यक्ष पीएल पाल, मध्य प्रदेश ट्रांस वर्कर्स फेडरेशन इंटक सभा उपाध्यक्ष पीसी जोशी, जिला अध्यक्ष हाजी मुस्ताक खान, जिला सचिव प्रवक्ता पंकज पाल, पिपरिया अध्यक्ष बजरंग मालवी, उपाध्यक्ष देवराज शर्मा, सचिव शाकिर अली, मील मजदूर फेडरेशन इंटक अध्यक्ष महेश यादव, सचिव नारायण सिंह राजपूत, मंडी मजदूर प्रतिनिधि इंटक ब्लॉक अध्यक्ष हरि वाथरे, मंडी मजदूर संघ उपाध्यक्ष माधो सिंह रघुवंशी आदि प्रमुख हैं। भारतवर्ष के लिए पिपरिया से नवनीत परसाई की रिपोर्ट। प्रदेश की ताजा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।